दोस्तों, अगर भारत की सीमाओं के अंदर अन्य कोई दूसरा देश बसता है तो वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सेवन सिस्टर्स के नाम से प्रसिद्ध नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 राज्यों के साथ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर अनेकों शहर हैं। आज तक आपने भारत के कुछ बड़े शहरों जैसे दिल्ली मुंबई के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ अजीबोगरीब शहरों के बारे में, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, क्लीननेस और कल्चर के लिए तो पूरी दुनिया में फेमस हैं ही, वहीं समय के साथ वेल डेवलप भी हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का है इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 7, ईटानगर। ईटानगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 200 किलोमीटर स्क्वायर है। बता दें यहाँ की साक्षरता दर 86% है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 8 लाख के आसपास है। वहीं आप यहाँ ईटा फोर्ट, स्टेट म्यूजियम, इंदिरा गांधी पार्क, गोम्पा तथा थेरावाड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल घूमने के लिए आ सकते हैं। नंबर 6, दीमापुर। दोस्तों, दीमापुर इंडियन स्टेट नागालैंड की सबसे लार्जेस्ट सिटी है, जिसका एरिया 43 किलोमीटर स्क्वायर है। आपको बता दें, दीमापुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे तेजी से डेवलप हो रहे शहरों में से एक है। आज 2020 में यहां की आबादी 23 लाख के आसपास है, जबकि यहां का लिटरेसी रेट 87.39% है। वहीं इसके अलावा आप यहां पर कचारी रंस, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, ट्रिपल फॉल्स और साइंस सेंटर घूमने के लिए आ सकते हैं। नंबर 5, कोहिमा। दोस्तों, कोहिमा इंडियन स्टेट नागालैंड की कैपिटल सिटी है। बता दें, प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर यह शहर काफी सुंदर है और यहां ज्यादातर आदिवासी लोग निवास करते हैं। यहां का एरिया 20 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि यहां की पॉपुलेशन आज 2020 में 1.15 लाख के आसपास है। वहीं यहां का लिटरेसी रेट 90.76% है और आप यहां कोहिमा वॉर सेमेटरी, नागालैंड स्टेट म्यूजियम, रेजू पॉइंट और कोहिमा कैथेड्रल चर्च घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 4, शिलोंग। शिलोंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक पर्वतीय नगर है और यह मेघालय स्टेट की कैपिटल है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक समय में असम की कैपिटल शिलोंग हुआ करती थी, जबकि आज असम की कैपिटल दिसपुर है। आपको बता दें, यहां की पॉपुलेशन 4.59 लाख के आसपास है, जबकि यहां का एरिया 64.36 किलोमीटर स्क्वायर है। यहां का लिटरेसी रेट आज 2020 में 92.8% है। वहीं आप यहां पर उमियाम लेक, वार्ड्स लेक, शिलोंग व्यू पॉइंट, लेटकोर पीक घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 3, अगरतला। दोस्तों, अगरतला इंडियन स्टेट त्रिपुरा का राजधानी शहर है, जिसे 1850 में बसाया गया था। बांग्लादेश से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर का एरिया 76.51 किलोमीटर स्क्वायर है। बता दें, इसकी जनसंख्या आज 2020 में 4.38 लाख के आसपास है। वहीं इसका लिटरेसी रेट 92% है, जबकि त्रिपुरा का लिटरेसी रेट 94% से भी ज़्यादा है, जिसने पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्यों में पहली रैंक प्राप्त कर ली है। अगरतला में आप उज्जैनता पैलेस, त्रिपुरा गवर्नमेंट म्यूजियम, हेरिटेज पार्क, त्रिपुरा रॉयल पैलेस व 14 गॉड्स टेम्पल घूमने के लिए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब नंबर 2 सिटी की बात करते हैं। नंबर 2 पर है आइजोल सिटी, जो मिजोरम स्टेट की कैपिटल है। बता दें, यह मिजोरम का सबसे बड़ा शहर है, जिसका एरिया 457 किलोमीटर स्क्वायर है। बता दें, इसकी जनसंख्या आज 2020 में 3 लाख के आसपास है। वहीं आइजोल अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। आज 2020 में यहाँ का लिटरेसी रेट 98.27% है। वहीं आप यहाँ दर्तलांग हिल्स, वेंतवांग फॉल्स, मिजोरम स्टेट म्यूजियम, सोलेमोन टेम्पल, फॉक वन तथा डोम्पा टाइगर रिजर्व घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर वन पर है असम का गुवाहाटी शहर। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है। बता दें, यह भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा है। यह नगर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इसकी आबादी आज 2020 में 11.2 लाख के आसपास है। यहाँ का लिटरेसी रेट 91.47% है, जबकि यहाँ का एरिया 328 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं इसके अलावा आप यहाँ पर कामाख्या टेम्पल, असम स्टेट जू कॉम बॉटेनिकल गार्डन, असम स्टेट म्यूजियम, उमानंदा टेम्पल, श्रीमंत शंकरदेव कलक क्षेत्र तथा पीकॉक आइसलैंड घूमने के लिए जा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।